चार लोग पापा की परी हो, मेरा सलाम। आज हमारा डे थ्री कौन सी जगह है? नरान नहीं है पागल, बाड़ा कुंडी में हमारा तीसरा दिन है और लास्ट डे है हमारा। क्या है कुंडी? बांका टुंडी नहीं है, बाटा क्या है जो भी नाम है। उसकी कचरे की कुंडी। ठीक है, अब हमने नाश्ते के लिए निकलने, देखते सारे रेडी हो गए या नहीं हुए। हाँ भाई, लड़के रेडी हो? कहाँ गए सारे? बाहर बैठे हैं। रेडी हैं सारे? ठीक 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 ठीक, रेडी हो? अब्दुलरहमान रेडी हो? चलो अब नाश्ते में मिलते हैं। होटल वाले का बर्तन इस्तेमाल किए थे काफ़ी सारे, तो वो कह रहे हैं आप इसको जिस तरह हमने आपको धुले हुए दिए थे ना, आप दो के दो। अब सारे भागते फिर रहे हैं, किसी का कोई काम याद आ गया, किसी का कोई काम याद आ गया। शाबाश, कह रहे हैं आप बर्तन दो, ये पड़े हुए बाहर। जी जी, इसमें प्लेट्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें लगे कमरे के, सिमटे पड़े हैं बट हैं इसमें। धोई हुई हैं, एक मिनट, प्लेटें धोई हुई हैं। कौन धोएगा सारे? इस्तेमाल करते हैं उन्होंने पर उन्होंने धोए होंगे। नहीं, इन्होंने नोडल ड्राइविंग वो तो पास में ये है। तो हाँ हाँ, ज़िया भाई धो लेंगे, ज़िया भाई ब्लॉक कर रहे हैं। दो ज़िया बाउल धोएगा, ज़िया बाउल धोएगा। अच्छा वाह, एक उठा ली है तूने, हाफ हाफ होगा भजन, आधे आधे होंगे। मैं क्या होता है, बकरी है तू? ये देखो यहाँ हमारे ही काम चल रहे। अच्छा पहले ट्रिप पर आए थे, बर्तन धुलवाने पड़े। अरे 50 रुपए दूंगा, मेरा भी एक धो दे। अभी तो हैं बेत बारी इतनी कैश चाहिए, अकाउंट में नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कैश दूंगा, इतनी बेत बारी है भजन, खुद ही धो लूंगा 50 रुपए तुझे दूंगा। एक उसको खंगाल नहीं है सिर्फ, मैंने अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से करना है, सही से खंगालो। बैटरी टाइमिंग का भी इशू चल रहा है। इधर आए ना आप, आओ तो सही, हैंडसम इंसान। सर ये हम अकेले नहीं धोएंगे, सारे धोएंगे बारी बारी, एक एक प्लेट अपनी उठा लो। सबको बुलाए, सारी एक एक प्लेट धोए अपनी अपने हिस्से की। A few moments later. तो यार हम बाटा कुंडी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाटा कुंडी से चल मतलब आ गए यहाँ पर नरान नाश्ते वगैरह के लिए। यहाँ से अब हमने जाना है झील सैफल मलूक पर। ठीक है, झील सैफल मलूक पर होता है, मैं होता है पता नहीं, मुझे नहीं पता okay. लेकिन भूख बहुत लगी हुई है, नाश्ता इतना दिल चाह रहा है नाश्ता करने का। अब नाश्ता कितने 11:30 का टाइम हो रहा है, नहीं आ रहा, खैर चलेगा। नाश्ता भूख लगी हुई है, बहुत भूख लग रही है। चलो नाश्ते में मिलते हैं। हमारी टीम नाश्ते के लिए बैठ गई और नाश्ता हमारा तकरीबन 12 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। इसके बाद हमने झील सैफल मलूक के लिए निकलना। चेक करो कितना लेवल व्यू है, जहाँ नाश्ता साथ दरिया और साथ हुए। सोच है आप लोगों की कितना लेवल व्यू आ रहा है। तो अगर हमारा डन हो गया, लेकिन अब आ गई हमारे पास चाय। ओए होए, चाय के साथ जो पराठा डिप करके खाने का मजा है ना, ओए होए मुइज आ रहे मजा। हमने एक पराठा बचा के इसलिए रखा कि हम चाय के साथ खाएंगे। अब चाय आए, ओए होए होए, चाय और ये वाला व्यू, वो अंत हो जाता है मामला सारा। राफ्टिंग का सीन बन चुका है, ये है राफ्टिंग बोट पड़ी हुई है। ठीक है, ये हम तकरीबन सारे जा रहे हैं। पहले कभी लिए उस टाइम में यार, मतलब किसना, इतना डेंजर नहीं लग रहा, मजा आएगा है ना, ऑटोमेटिक वगैरह। हाँ बड़ा मजा आएगा, फर्स्ट टाइम वाला बिल्कुल। अब्दुलरहमान क्या लगता है, 50-50 मूड का या बचने का, जिंदा बचने का? इंजल है आते लेकिन मुझे नहीं आता, मैं मतलब अल्लाह का शुक्र है हो जाएगा, बचत हो जाएगी हमारी। नहीं जैकेट दिया वो बंदा डूब गया। हां बगैर, फिर मिलते हैं बोट में।
आया मजा है, बहुत मजा आया। अच्छा तो हम यार राफ्टिंग के लिए गए थे आप लोगों के सामने था, हुआ ये कि जो राफ्टिंग वाली जगह थी जहाँ से मतलब जो लेक थी उसमें हमें इतनी गर्मी लग रही थी कि हम नहाने शुरू हो गए। हमने नहा लिया, टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ जाया कि हमने, अब हमारा था झील सैफल मलुक पे जाने का टाइम लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि हमें देर हो गई है और हल्की सी यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है जिसकी वजह से रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तभी हम फिर जा रहे हैं अब यहाँ नारायण के बाज़ार, उसको घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, फिर वापसी का देखते हैं क्या सीन है। A few moments later, अब हम तीन लड़के निकले हैं, एक मैं, अब्दुलरहमान और ज़ुहैब साहब, हम निकले हैं वॉक करते हुए, कुछ चीजें हमने लेनी है तो मैंने कहा अब आपको दिखाते हैं साथ साथ। मान लो चुपो, ये नहीं बोल रहा, कुछ गेस्ट है नजर उनके लिए। अच्छा ठीक है, ये हमारी नरान का माल रोड, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है, मतलब बहुत वैरायटी है इसमें, बहुत ज्यादा। क्या करना, ये है मरी का, सॉरी मरी कह रहा हूँ, नरान का माल रोड, ठीक है। मैं नरान में तुर्की वाले मजे, तुर्की आइसक्रीम, उन्होंने बड़े बड़े डीप फ्रीजर देखे होंगे लेकिन नरान में आपको डीप फ्रीजर हम दिखाते हैं। ये है नरान का फ्रीजर, यहाँ हम बोतलों को ठंडा करते हैं, ठीक है। वाह, हम नहीं करते सर, शॉप वाले करते, शॉप वाले करते हैं, बात तो वही होगी ना भिजन। इसने ना दो अंगूठियाँ लेनी है, एक मेल और एक फीमेल, मेल तो अपने लिए लेनी है, फीमेल किसके लिए लेनी है तो वो बता, इधर देख बता, फीमेल किसके लिए लेनी है तूने, नहीं इधर देख के बता, मुझे पता, इनको तो नहीं पता ना। अंगूठी है कितनी की अंगूठी है, कितने 350 की, चले बाहर चलना है, छोड़ तो नहीं चलते, चलते छोड़, हमारे मियार की नहीं, बहुत तेज हो रहा है। ओए ओए ओए, भाई ने क्या चीज पसंद की है, कहते ये नाइटी है, मैंने कहा नहीं भजन ये गो वाले बीच में ये वो वाले कपड़े, ज़ेब ज़ेब अपनी शक्ल, अपनी जैसी शक्ल से मिलते हुए गजब बेइज्जती, लाली बार। करो तो सही, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अरे करो जी, ये जी छा गया भाई, ओए ओए पतलू मोटू का तेरी नहीं गजब बेइज्जती, जे मुंह नहीं लगाया तुझे तो, उससे पहले यूं ही बेटा तेरी नरान में आके भी कोई इज्जत नहीं मिली। नरान की मार्केट की वाइब चेक करो, ठीक है, आपको हर दो तीन कदम के बाद या ड्राई फ्रूट्स की दुकान मिलेगी या डेकोरेशन पीसेस की दुकान मिलेगी या अखरोट की, कपड़ों की, मतलब बहुत क्लास की बनी हुई है। यहाँ पर रेस्टोरेंट में घुसते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स दिखाएंगे, मुफ्त में खाना खिला देंगे, कुछ तरीका है भीख मांगने का। और वो कहेंगे सर, हाँ पहले सर एटीएम मारने जा रहे हैं, उसके एटीएम मार, ओए ओए तेरे पास पैसे, एटीएम ओए ओए लाइट ओपन है ना, जा मैं अभी जा, एटीएम वाले ने भी धक्का मार के बाहर निकाल, यू होगा और यू होगा, तू समझा, यहाँ है सी एफ सी और हम क्या कर चुके हैं, के एफ सी से बाइक आउट कर चुके हैं ना, बाबा भी उतार दी, ए तुझे फ्री में नहीं मिलना यार, वैसे तेरी इज्जत नहीं, बर्तन दिलवाएंगे, अभी तू क्या लेने वाला था, मैं वो लेडीज जाफर लेने वाला, किसके लिए अपने सही से बता किसके लिए ले रहा था, अभी तूने अंगूठी लेनी थी, अभी तू लेडीज जाफर ले रहे, ठीक है
पहले छोड़ सब कुछ, ये ले किसके लिए रहा है तू ये बता पे। डर गई यो, डर गई। इधर आ, इधर आ। अच्छा रेट तो पूछ ले, क्या है रेट का हिसाब किताब क्या? खान साहब रेट बताओ उसको। भाई 150 150 रुपया देगा। नहीं दे दो भाई। कुछ तरीका है भीख मांगने का? देखो जिसको दूंगा वो आपको दुआ करेगा। अरे यार भाई देना किसको है? वो सीक्रेट है। नहीं एक तो चलो ये तो आपने ना दिया, ये कितने? ये 2000 है। 200 होगा। सही सही बात है। 90% कम कर दिया भाई। जूम के दिखाओ, जूम के। ये देखे ठीक हो गया सर? अभी तू एक कर ले, कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है। ये ले, ये हो गया। ओके डन, मैच हो रहा, कलर भी मैच हो रहा है। ओके अब भागो। पैसे दिए भाई, कहां भागे? चले आगे बस। किसको देना है, किसको है? तो वो दोस्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भजन। जुहेब ना पता नहीं किसके लिए क्या क्या चीजें ले रहा है। आप लड़कियों की शॉप पे जा रहा है, वहां तो इसकी दाल गल गई है। यार देखते गलती थी, गलती। भाईजान जेब ने आज कल कोई नई पटाई भी है? तो कपड़े चपड़े कोई दिखाओ सस्ते से अच्छे से। क्या पटाई हुई है? समझ लो आप इसकी पटाई हुई है। इसकी पटाई हुई है। पटाई नहीं हुई, इतना अच्छा नसीब नहीं हुआ अभी। ये वाला जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ। मतलब ये जेब ने कलर पसंद किया। ओए ओए जेब की चॉइस मैं देख ही रहा हूँ। भैया पिंक वाला बताओ कितना रेट है इसका? 6 किडनी निकाल अभी। जेब अभी नहीं पूछ तो सही। बंदे की जेब भाई कई रात है। 2000 years later. दुनिया को तंग करने के बाद अब हम क्या पीने आए हैं? कहवा 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 कहवा। मजेदार मजेदार। बड़ा मजे का कहवा यार खान। कहवा तो तेरा मजे का है, पूरी मोहब्बत से बनाया हुआ कहवा है। A few moments later. अब रात के 10 बज गए तो हम खाने आ गए हैं। बट कढ़ाई, बट कढ़ाई है नाम इसका जगह का। बट कढ़ाई जो भी है, अब देखते हैं बड़ा। हाँ एंड का तो बड़ा लजीज खाने में सुनने में यही आया। अब देखते हैं क्या सीन है। नहीं भाई पैसे थोड़े ना दिए। मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। चलो मिलते हैं आपसे खाने पर। ये हमें जगह मिली है, यहाँ सारे हम पूरी टीम बैठ के खाना खाएगी। हम इस बार जाएं अहमदाबाद से, अहमदाबाद किलोमीटर में कम पड़ेगी। हमारे पास सारा खाना वगैरह आ गया। सर रियो बताए खाने में क्या क्या आया? सर पता नहीं फिलहाल भूख लगी है। खाना खा के बताते हैं आपको हमने खाने में क्या खाया। अच्छा तो यार हमने खाना वगैरह खा लिया। खाने में था क्या? था खाने में बता। व्हाइट कढ़ाई कहाँ की थी? अचारी कढ़ाई। अच्छा। और कोरमा था, ठीक। सलाद वगैरह, रायता, ये वो, बस बहुत। बिरयानी नहीं थी? बिरयानी थी, सॉरी थी, हल्दी वाले चावल थे। तो हमने खाना वगैरह डन कर लिया। इसके बाद हमारी तकरीबन हमने 4 बजे यहाँ से निकलना आराम से वापसी के लिए, ठीक है? तकरीबन 10 बजे तक, सुबह 4 बजे इस साइड पे जाना सर। इधर नहीं, वो गाड़ी में से वॉलेट उठाने में। अच्छा चलो ठीक है। फिर तकरीबन सुबह 4 बजे हमने निकलना है नारायण करम मुल्तान के लिए। 7 बजे तक पहुंचेंगे हम। यार अजीब, मतलब मरी जाना है। वो तो रास्ता है ना, वो तो नाश्ता वगैरह के लिए रास्ता आ रहा है। स्टे प्रॉपर नहीं है वो, नाश्ता सास्ता है। हाँ
मतलब रास्ते में जितने भी जगह आएंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे वहाँ पर, बकाया फिर साथ साथ आपको कवर कर। 2000 years later सीन चल रहा है यार, लैंडस्लाइडिंग हो गई है, रुके हुए फिलहाल दो दिन। कितनी देर से हम रुके हुए, तकरीबन 10 मिनट तो हो गए हमें यहाँ रुके हुए। फिर आपको क्या लगता है लैंडस्लाइडिंग जब होती है 10 मिनट के लिए रुकना, कि दो दो तीन दिन लग जाते हैं? दुआ करो कि यहाँ से मसला जल्दी हल हो जाए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग दो तीन जगह पे होती है। यहाँ कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि आगे बिल्कुल जाम हुआ है और बारिश की वजह से सारी यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे नादरा फॉल गली हुई है। लेकिन हम जितना हंस रहे हैं हम सिर्फ अपने आप को टेंशन रिलीज करने के लिए हंस रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत डेंजर सिचुएशन हुई हुई है। आगे तक सारा ब्लॉक हुआ है और सामने भी जो आने वाले लोग थे वो भी ब्लॉक हो गए खड़े में। A few moments later. Finally, भैया नाश्ते का टाइम आ गया। अच्छा यहाँ बारिश का सीन है। हुए। सर हुए। हम वापसी वो मुल्तान वाली कैटेगरी में आ गए कच्चे में। हुए। आप लोग वो सीन देख रहे हैं जो बीच में पिछले गुजरे हैं, जो हुआ है आप लोगों की सोच है, दो जगह पर हमारा रास्ता ब्लॉक हुआ है, दो जगह पर लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी। हुए, 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 सर हालत टाइट हुई है नहीं हुई दो जगह पर? बस कर दे बस कर दे। दरमान तू तो सोता है, ते पता ही नहीं कहाँ रुके, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। यार नाश्ते का टाइम हो गया है, आज इंशाल्लाह पहुंच ही जाए। सर बताएं जो रास्ते में हुआ उसके लिए आपकी क्या रिव्यू है? बहुत जो है ना वो डेंजरस था, मुझे तो ये लगा था कि जो है ना हमारी गाड़ी कहीं वो जैसे बंदे बताए थे ना कि एक एक दिन या दो दिन रुकना अच्छा, पड़ेगा। एक बंदा पहले दो जगह थी ना हाँ। मुश्किल वाली एक जगह पे आया, कहता है सर आपकी तो गाड़ी चली जाएगी, आपकी तो बड़ी गाड़ी है, अल्लाह मुबारक करे, नीली शर्ट वाला। और आगे खड़ा था, फिर आया कहते हैं सर आपकी गाड़ी चली जाएगी, इसी बात में मुझे गाड़ी से प्यार हो गया। गाड़ी सर की गड़ी भी है नहीं, वो अब ग्रिप हो गई थी इसके पीछे, ठीक है। यहाँ सर तरीका बता रहे पिक्चर खींचने का। नहीं ये इस तरह फिर यूं कर रहा। इंजीनियर डोरी मोहन लेटर। नाश्ते का सीन ऑन है, ठीक है जहाँ हम आ गए। और ये हमारी आगे टेबल लगी हुई है, ओए होए 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 होए, फुली नाश्ता और बेहतरीन व्यू के साथ, ओए होए होए होए। वही चले जो शादी का खाने वाला होता है, खाना तो आ जाता है बट खाने के लिए कोई कहता है नहीं है, जैसे कि आप बोलेंगे नहीं खाना खा लो तब तो कोई खाएगा नहीं, सारा खाना पड़ा वैसे वैसा। हाँ जी तो खाना लग चुका है बट ख़त्म हो चुका है, आपको थोड़ा ना खिलाना था, हमने खाना था। और भाई खाना कैसा था? मनी हुई हुई कौन सा खाना था? ट्रिप चने चने फंस गए, नहीं वो स्पीकर लगा देंगे, ठीक है चने फंस गए बेचारों के चने फिस गए हैं कह रहे हैं। बंदा जो पूरे सफर फॉर्चुनेट पे गुजार है और अब हमारी थकी हुई गाड़ी में आ गया, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? कहाँ आ गए? वाह 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 वाह।
हमारी गाड़ी का कौन मुंह लगाएगा जब फॉर्चुनेट आ जाए। अल्लाह माफ करे, इसे भी तोड़ दिया मेरा ये। ये देख, तुमसे जुड़वाऊंगी अब जाके। क्या तोड़ा है? कुछ भी नहीं तोड़ा। आपकी तरह सर अजीज ने जैसे आप 25 वो तो कर दी इतना, वैसे मैं उसको पछाड़ी। हां भाई, किस तरह का ट्रिप गुजरा? हम फ्रेश हो गए थे ग्रीन ट्रिप। अब गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, ट्रिप तो खत्म हो गया ना हमारा, गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। मैं आज फ्रेश क्या बोला मैंने? तो बच जाओ, मैं क्यों को बिठाओ बच्चों को। अच्छा मुझे वन बाय वन जो भी पसंद हो उसमें वो करवाने के बाद हमसे जाके बैठ जाना, ठीक है? तो फिर कलेक्ट सबने अपने अपने ऑर्डर करना, ओके? ठीक है ना, आ जाओ। मैगी में जाते जाते बाबू के ढाबे पे ना उड़ जाए। तो यार हम ट्रिप से वापसी आ गए थे। वापसी आने के बाद हुआ कुछ ये कि जो मेरे हाथ में मोबाइल है इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम आ गए थके हुए थे, रात के तकरीबन 1 बजे हम पहुँचे यहाँ पर। थके हुए थे तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, थके हुए भी थे और मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म थी, ठीक है? तो सिर्फ एक बात मैं आप लोगों से करूँगा कि हम जब इन नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर एक छोटा सा काम किया करो, वहाँ जाकर कचरा नहीं किया करो, ठीक है? वहाँ जो आप लोग नींबू खाते हो, बिस्किट वगैरह खाते हो, उसके रैपर अगर वहाँ फेंकोगे तो वो जितना खूबसूरत इलाका है वो सारा ख़राब हो जाएगा। जो भी आइंदा जाए या पहले जाता था उसने आज अभी तक ऐसा कुछ किया है, तो आइंदा ख्याल करे, और आइंदा जो जाएगा तो वो उसकी तलाश में ख्याल करे। बकाया कि हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया, ठीक है? इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और ट्रिप में। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो सीरीज़ अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करना है आपने लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।